छोड़ी जब एक साथ लोगों के बीच उतरती है तो जन सैलाब उमड़ जाता है। इस जोड़ी को सुनने के लिए, देखने के लिए कड़कड़ाती ठंड में, कड़ी धूप में या बारिश में लोग घंटों तक खड़े रहते हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। और जब इनके नेता इनके बीच आते हैं तो देखिए क्या होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता पिछले 10 सालों में यह जान चुकी है, मोदी जो वादा करते हैं वो गारंटी के साथ पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि रामलला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है। यूपी में इस जोड़ी का जलवा गजब का है, इसीलिए तो बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वो भी डंके की चोट पर। देश के प्रधान सेवक मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी यूपी की हर एक सीट को नापने वाले हैं। पूरब से पश्चिम तक मोदी योगी की जोड़ी धुआंधार चुनावी सभाएं और रोड शो करने वाली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनाव की ही तरह साल 2024 में भी मोदी और योगी की सबसे कामयाब जोड़ी यूपी के चारों कोनों में मोर्चेबंदी के काम में लग चुकी है। सात साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि मोदी पहले चरण में जिस दिन मतदान होगा उस दिन या उसके एक दिन पहले आसपास में दूसरे चरण से जुड़े इलाके में चुनावी रैली करेंगे। हर चरण में मोदी की 1 से 2 रैलियां कराने की तैयारी है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उस वक्त सपा बसपा एकजुट होकर मोदी योगी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की थी। 17वीं लोकसभा का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर पूरब की ओर गया था और सपा बसपा ने अपनी 24 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन कर लिया था। बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ी थी, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए तो बीजेपी के विरोधियों की बोलती बंद हो गई। बीजेपी ने पहले चरण से ही निर्णायक बढ़त बनानी शुरू की और जनता ने आखिरी चरण पूरा होने पर बीजेपी की झोली में 62 सीटें डाल दी थी, जबकि 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई थी। यूपी में बीजेपी का मुकाबला बीजेपी और एसपी कांग्रेस के बीच है। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। 2014 यानी 10 साल से बीजेपी यूपी पर पकड़ बनाए हुए है। इस दौरान बीजेपी 2 बार का विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। पिछले 15 सालों में यूपी में बीजेपी की 5 गुना सीटें बढ़ी हैं, तो वहीं कांग्रेस की 20 गुना सीटें कम हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के आगे उत्तर प्रदेश में सभी दूसरी पार्टियां हवा हो गईं। कांग्रेस ने अकेले 67 सीट लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 63 लोकसभा सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और अकेले रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव जीती। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है, यानी हर सीट पर जीत। इसे पाने के लिए बीजेपी ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिलाया है, ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की आरएलडी।
जबकि पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी गठबंधन में हैं। 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों का उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9 रहा है। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2019 के चुनाव में इन दोनों दलों यानी सपा और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1% और 6.4% रहा, यानी कुल 24.4%। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा को 32.3 और कांग्रेस का वोट शेयर था 2.4, यानी कुल 34.6%। तब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। अब देखिए, पिछले 3 लोकसभा चुनावों का एनालिसिस ये डेटा बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से यूपी में विनिंग मशीन बनती जा रही है। इन 3 चुनावों में यूपी में बीजेपी का 32.5% वोट शेयर बढ़ चुका है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2009 से 2019 के चुनाव में 17% खिसक चुका है। सबसे पहले 2009 के आंकड़े देखिए। इस चुनाव में बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन था। यूपी की कुल 80 सीटों में से बीजेपी को साल 2009 में मिले 17.5% वोट और सीटें मिली 10। एसपी को कुल वोट मिले 23.3% और सीटें मिले 23, यानी 2009 में बीजेपी से सपा आगे थी, जबकि बीएसपी को कुल वोट मिले 27.4% और सीटें 20। कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 18.3 और सीटें मिली थी 21। वहीं आरएलडी और अन्य को सीटें मिली 6 और वोट प्रतिशत 7.8। अब देखिए साल 2014 के चुनाव का डेटा, जब देश में प्रचंड मोदी लहर थी। 2014 के चुनाव में यूपी ने बीजेपी की झोली में 80 में से 71 सीटें डाल दी और बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 42.6 पर पहुंच गया। बीएसपी का वोट प्रतिशत रहा 19.8, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। एसपी का वोट शेयर रहा 22.3 और सीटें मिली 5, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर रहा 7.5 और सीटें मिली 2। वहीं अपना दल को 1% वोट मिला और सीटें मिली 2। अब आपको दिखाते हैं 2019 का रिजल्ट। बीजेपी को इस चुनाव में 50% वोट मिले, लेकिन सीटें 62 ही मिली। एसपी को 18.1% वोट मिले और जीत मिली 5 सीटों पर। बीएसपी को 2019 के चुनाव में 19.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर घटते हुए 6.4 पर पहुंच गया और सीटें मिली सिर्फ 1, जबकि अपना दल को 6.1% वोट मिले और सीटें मिली 2। इस चुनाव में बीजेपी का अपना दल से गठबंधन था और बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2 और सीटें जीत ली। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 66 सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गहरा सदमा लगा, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार के परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए और स्मृति ईरानी को जीत हासिल हुई। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जीत हासिल कर कांग्रेस की लाज बचाई। इस आंकड़े से अनुमान लगता है कि मोदी और योगी का चुनावी बंदोबस्त पूरी तरह से मुकम्मल है और यूपी में ये जोड़ी एक बार फिर से बड़ा करिश्मा कर सकती है। मोदी, मोदी।